नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 जुलाई शुक्रवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू के साथ गर्मी का प्रकोप जारी रहा और श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण आज शुक्रवार से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के अधिकतर भागों में 10 जुलाई को मानसून के आगे बढ़ने तथा सक्रिय होने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। विभाग ने आगामी 24 घंटों में बीकानेर, जयपुर व भरतपुर संभाग के जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। बाड़मेर जिले के गुड़ा मलानी थाना इलाके की रानियों की ढाणी में चचेरे भाई ने अपनी बहन की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने भी जहर खाकर जान दे दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस सभी साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है। घटना को लेकर पुलिस परिजनों से भी बातचीत कर रही है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आसाराम को आज राजस्थान हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिल गई। आसाराम को अब जोधपुर जेल में ही आयुर्वेद डॉक्टर से इलाज की सुविधा मिल सकेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने उसके पुत्र नारायण साई की याचिका पर यह फैसला दिया। वो प्रसिद्ध आयुर्वेद डॉक्टर राघव रमन कुट्टी आसाराम का इलाज करेंगे। आसाराम के पुत्र नारायण साई की तरफ से आसाराम के आयुर्वेद से इलाज करवाने की एक याचिका पहले से दायर कर रखी थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान नारायण साई की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील संजीव पुनालोकर ने कहा कि इस याचिका का फैसला आने में विलम्ब होगा। ऐसे में बेहतर होगा कि आसाराम को जेल में ही डॉक्टर राघवन रमन कुट्टी से इलाज की अनुमति प्रदान कर दी जाए ताकि समय रहते आसाराम का इलाज शुरू हो सके। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के लोहारिया गांव में अंधविश्वास में एक मां ने अपनी मासूम बच्ची लीला की बीमारी दूर करने के लिए उसके पेट पर गर्म सरिये से दाग लगा दिया। तबीयत बिगड़ने पर गुरुवार को उसे अस्पताल लेकर गए, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद अस्पताल में मौजूद हर कोई व्यक्ति की आंखें नम हो गई। वेंटिलेटर पर भी उसने करीब 8 घंटे ही निकाले, लेकिन उसके बाद मां के लिए दिए गए घाव के कारण उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस ने मासूम लीला के शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के किसी भी स्कूल में अब एडमिशन के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। न सिर्फ TC बल्कि किसी अन्य डॉक्यूमेंट के बिना भी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी की ओर से जारी किए गए इस आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल्स के संचालकों में हड़कंप मच गया है। दरअसल प्राइवेट स्कूल को भय है कि बिना फीस जमा करवाए ही उनके स्टूडेंट्स अब दूसरे निजी या सरकारी स्कूल में चले जाएंगे। ऐसे में फीस के बकाया रुपए डूबने तय हैं। दरअसल माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स को बिना TC और अन्य दस्तावेजों के बिना ही अस्थायी प्रवेश देने के आदेश दिए हैं। इस आदेश में शिक्षा का अधिकतर अधिकार कानून का हवाला देते हुए बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने की बात कही गई है। अब शिक्षा निदेशालय ने जो आदेश जारी किया है उसे लेकर प्राइवेट स्कूल संचालक विरोध दर्ज करवा रहे हैं। नागौर जिले के सुरपालिया थाना क्षेत्र के एक युवक को गांव में खुलेआम तलवार लहराना और एयरगन के साथ फेसबुक पर अपनी फोटो पोस्ट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने युवक को 2 एयरगन और 1 तलवार के साथ गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र के गाँव जटेरा में आम रास्ते पर तलवार लहराते हुए छतर सिंह उर्फ छतरपाल जटेरा को पकड़ा और तलवार जब्त की गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। CM अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 31 मार्च 2021 को 3 से 5 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले संविदा कर्मियों को वन टाइम लॉयल्टी बोनस तथा अनुभव आधारित बोनस दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह लाभ NHM के उन संविदा कर्मियों को देय नहीं होगा जो 31 मार्च 2017 की पात्रता के आधार पर पहले ही यह लाभ ले चुके हैं। CM ने 31 मार्च 2021 को 3 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने वाले NHM के संविदा कर्मियों को 10% की दर से तथा इस तिथि को 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को 15% की दर से 1 अप्रैल 2021 से एक बार ये लॉयल्टी बोनस अथवा अनुभव आधारित बोनस का लाभ देने की स्वीकृति दी है।
बांसवाड़ा जिले के गनेड़ा थाना क्षेत्र के लांबा पारडा गांव में एक महिला की परिजनों की लापरवाही और अंधविश्वास के चलते जान चली गई। लांबा पारडा गांव में तुलसी को खेत में काम करने के दौरान एक जहरीले जानवर ने काट लिया था। काम करने के दौरान लकड़ियों के ढेर में छिपे जानवर ने तुलसी की अंगुली पर दांतों से पकड़ लिया। परिजन पहले उसे अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक तथा तंत्र मंत्र के सहारे जहर को काबू में करने के अंधविश्वास में पड़ गए, जिसके चलते तुलसी के शरीर में जानवर का जहर तेजी से फैल गया। झाड़ फूंक कराने के बाद वापस उसे गनोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद बांसवाड़ा रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अपने यहां बचे मकानों, स्वतंत्र आवास और फ्लैट्स को 19 जुलाई से ऑनलाइन ओपन नीलामी के जरिए बेचेगा। करीब डेढ़ साल इनमें से अधिकांश मकानों को बोर्ड प्रशासन ने 25% तक की छूट पर बेचने का प्रयास किया था, पर यह सफलता नहीं मिली। बोर्ड प्रशासन ने अभी ने 50% तक की छूट पर देने का निर्णय किया है। खास बात यह है कि इन मकानों के लिए एक मुश्त पैसे न देकर 10% रकम पर ही कब्जा मिल जाएगा। शेष 90% रकम 13 साल की अवधि में किश्तों में अदा करनी होगी। जयपुर के प्रताप नगर, इंदिरा गांधी नगर, कोटपुतली के अलावा भरतपुर, डूंगरपुर और अलवर के भिवाड़ी शहर में ये मकान हैं, जिन्हें ई नीलामी के जरिए बेचा जाएगा। इन मकानों के लिए प्रत्येक सोमवार से बुधवार शाम 4 बजे तक बिड लगाई जा सकेगी। ये बिड ऑनलाइन ही 19 जुलाई से शुरू होगी। पाली जिले के सादड़ी कस्बे के आदतन अपराधी नरेश माली द्वारा एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई और ईंट से सिर कुचलकर जान लेने के प्रयास का मामला सामने आया है। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर आरोपी ने वायरल किया। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन किसी तरह आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित प्रकाश मेघवाल सादड़ी के मेघवालों के बास में रहता है, जिसे आरोपी नरेश माली अपने साथियों की मदद से जबरदस्ती परशुराम महादेव मार्ग की ओर जंगल में ले गया, जहां उसके साथ ईंट पत्थरों से सिर कुचलकर जान लेने का प्रयास किया। आरोपी की पीड़िता से क्या दुश्मनी अथवा रंजिश थी, जिसका कोई ठोस कारण पता नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।